नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। क्रिएटिनिन टेस्ट, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा, दो तीन रिपोर्ट दिखाऊंगा। नॉर्मली कितना होना चाहिए, बढ़ जाए तो क्या मतलब होता है, कम हो जाए तो क्या मतलब होता है, कितने का होता है, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो ये आप अपने अगर रिपोर्ट कराई है या रिपोर्ट जानना चाह रहे हैं तो आप अपनी रिपोर्ट से इन सब रिपोर्ट को मैच कर सकते हैं। ये फर्स्ट नंबर के पेशेंट हैं, इनकी रिपोर्ट में आप यहाँ क्रिएटिनिन देखेंगे और ये सीरम ब्लड में जांच होती है और ये मेथड का नाम लिखा है जेफीज रिएक्शन। अब इन पेशेंट की क्या हो रहा है कि क्रिएटिनिन थोड़ा सा बढ़ गया है 1.6। लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा 1.7 है, 1.8 है, 1.75 है, तो क्या किडनी ख़राब है, नहीं है, क्या होगा? तो इनकी देखिए आप 1.6 है। नॉर्मली कितना होता है आपको बताऊँ, जब नॉर्मल अपन क्रिएटिनिन करने जाते हैं किसी का तो या तो एक से कम रहता है ज़्यादातर लोगों में, या 1.2 या 1.3 से कम रहता है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई पानी की कमी नहीं है शरीर में, डिहाइड्रेटेड नहीं है, या अभी बुखार वगैरह नहीं है, कोई अभी रिसेंट में समस्या नहीं हुई है, तो नॉर्मली एक से कम ही रहता है, 1.2 से कम रहता है, 1.3 से कम रहता है। अगर इससे ज़्यादा होने लगे, शरीर में अभी कोई खास समस्या नहीं दिख रही है, तो ज़रूर फिर ये माना जाएगा कि ये किडनी में कुछ प्रॉब्लम शायद स्टार्ट हो गई, बिल्कुल शुरुआती है। तो 1.6 मतलब इसको डैमेज है, माइल्ड टू मॉडरेट डैमेज है। ये GFR निकाला गया है, कैलकुलेटेड GFR का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब किडनी कितना ब्लड फिल्टर कर पा रही है। तो इसमें 45 रह गया है, नॉर्मली 90 तक होता है। मतलब ये 1.6 ही क्रिएटिनिन में काफ़ी ज़्यादा किडनी काफ़ी सिग्निफिकेंट डैमेज हो चुकी है। तो ये कहने का मतलब है कि अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ने लगा है, 1.3 1.4 से ज़्यादा जाने लगा है और अभी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है बढ़ने वाली और कुछ नहीं दिख रही है, तो तुरंत इस तरह के पेशेंट को तुरंत एडवाइस की जाती है कि आप USG कराएं, एब्डामन सोनोग्राफी कराएं और किडनी के बारे में पता लगाएं और किडनी की और भी जो जाँचें होती हैं। कीमत 100 रुपये की होती है, फास्टिंग रखने की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी करा सकते हैं, फास्टिंग कराएंगे तो और बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सीरम में ब्लड में टेस्टिंग सेम डे हो जाती है। अब ये दूसरे नंबर के पेशेंट्स हैं, इनमें देखते हैं क्या है। इसमें क्रिएटिनिन आप देखोगे तो 1.4 है, मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्रिएटिनिन बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। अब ये ज़रूर जान लें कि हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ किडनी की बीमारी होगी तभी ये बढ़ा रहेगा। ज़्यादातर बार किडनी की बीमारी 95% केस, उससे ज़्यादा माने किडनी ख़राब है, पर कुछ और एक कंडीशन हो सकती है जिसमें ये क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। अब एक और रिपोर्ट है, ये थोड़ा ऐसी रिपोर्ट है, इस तरह की रिपोर्ट इंडिया में खूब मिलते हैं कि एक साथ बहुत सारे पैरामीटर इसमें लिख दिए हैं। वैसे आपको बताऊं कि क्रिएटिनिन के साथ में हमेशा आपको यूरिया मिलेगा ज़्यादातर बार, क्योंकि जो क्रिएटिनिन होता है ना वो KFT किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट का एक पैरामीटर है। तो जब भी किसी को क्रिएटिनिन लिखेंगे तो ये आप मानो कि ज़्यादातर बार यूरिया और साथ में यूरिक एसिड या हो सकता है इसी में सोडियम पोटेशियम ये भी लिखा जाए, मतलब ये जांचें हो सकता है, ये किडनी फंक्शन के पैरामीटर में आता है। अकेले क्रिएटिनिन लिखना ऐसा कम किया जाता है, जब किसी का ट्रीटमेंट चल रहा हो, ट्रीटमेंट का असर देखना हो, किडनी हमें पता चल रही है कि ख़राब है, डैमेज हो रही है, तब ज़रूर अकेले सिंगल कराया जाता है। बहरहाल इसमें क्रिएटिनिन सीरम क्रिएटिनिन ऐसा लिखा है 3.6 है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा है। इसका GFR निकालेंगे तो काफ़ी कम आएगा, मतलब डैमेज काफ़ी है। यूरिया भी इसी हिसाब से उसी अनुपात में बढ़ जाता है, पर सेम अनुपात में बढ़ेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। चौथे नंबर की रिपोर्ट है, ये पेशेंट है, इनमें क्या हो रहा है, इसमें क्रिएटिनिन काफ़ी बढ़ गया, ये 8.64 है। हो सकता है इन केस इनमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़े, मतलब डायलिसिस में क्या करते हैं कि जो यूरिया क्रिएटिनिन है मशीन के द्वारा निकाला जाता है, क्योंकि किडनी नहीं निकाल पा रही। अब होता क्या है, ये क्रिएटिनिन बनता क्या है, क्रिएटिनिन एक ऐसा प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब हमारा शरीर इसको सिर्फ निकालेगा किडनी के द्वारा, मसल के ब्रेकडाउन से बनता है। मसल में क्या होता है, जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है ना उसमें क्रिएटिन बनता है सब्सटेंस, ये ताकत के लिए, मसल के लिए, पावर के लिए चाहिए क्रिएटिन। इसका सप्लीमेंट भी आता है, पाउडर वगैरह अगर आपने नाम सुना हो, उसके ब्रेकडाउन से ये क्रिएटिनिन बनता है। अब ये क्रिएटिनिन को निकलना ही होता है, मतलब इसका और कोई शरीर में रीयूटिलाइजेशन नहीं है, तो मसल्स के ब्रेकडाउन में क्रिएटिनिन बनता है और वो किडनी के द्वारा निकलता है। अगर किडनी खराब होगा तो ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ना लगेगा, बस ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अब क्रिएटिनिन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि यहाँ पे आप देखेंगे सेम रेट से शरीर के अंदर ये बनता निकलता है, मतलब इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अगर किडनी के फंक्शन को देखना हुआ तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है क्रिएटिनिन, कितना किडनी में डैमेज हो रहा है। चलिए अब रिजल्ट आ जाते हैं, थोड़ा सा और समझाते हैं आपको क्रिएटिनिन, हालांकि इसके बारे में बात हो गई है
कि मेल के अंदर 1.2 से नीचे, फीमेल के अंदर 1.1 से नीचे। नॉर्मली जैसा कि मैंने बोला कि 90% लोगों का एक से नीचे मिलता है, पर 1.2 1.3 तक चल जाता है अगर यूरिया वगैरह भी नॉर्मल रेंज में है। अब हाई क्रिएटिन वैल्यू अपन समझते हैं कि क्या क्या कारण हो सकता है। तो एक तो किडनी डैमेज है। अब किडनी डैमेज का जरूर ध्यान रखें कि एक तो होती है अक्यूट किडनी डैमेज और एक होती है क्रोनिक। क्रोनिक मतलब कि बीपी की समस्या या शुगर की समस्या या कोई क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया, चाहे भी हेपेटाइटिस बी वगैरह हो गया, या कोई लंबे समय से ड्रग वगैरह चल रही, बुखार दर्द की दवा या कीमोथेरेपी वगैरह। तो क्रोनिक में क्या होता है, किडनी बिल्कुल ख़राब हो जाती है, वो फिर रिकवर नहीं होती। अक्यूट में क्या होता है, जैसे कई बार लोगों को इन्फेक्शन वगैरह हो गया, बैक्टीरिया वायरस वगैरह का इन्फेक्शन हुआ, या शरीर में और भी कुछ समस्याएँ हो सकती हैं, तो उसमें क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। जैसे इन्फेक्शन रिकवर हुआ, क्रिएटिनिन नीचे आ जाता है। तो ये दोनों अलग कंडीशन। अगर कोई ने आपको ये बोला कि मेरा या किसी जान पहचान वाले का क्रिएटिनिन बढ़ा था, फिर इनसे इलाज करवाया तो वो कम हो गया, तो बहुत चांस है कि अक्यूट किडनी इंजरी रही होगी, जो दवाइयों से भी हो सकती है, इन्फेक्शन से भी हो सकती है, बीपी ऊपर नीचे होने से हो सकती है, और भी कुछ कारण हो सकते हैं। चूँकि अक्यूट कंडीशन में किडनी में परमानेंट चेंज नहीं था, टेम्परेरी चेंज था, इसलिए ये दोबारा यहाँ पे क्रिएटिनिन नीचे आ गया, नॉर्मल हो गया। लेकिन एक बार अगर क्रोनिक कोई कंडीशन होती है जिसमें किडनी में परमानेंट डैमेज है, इसके क्रिएटिनिन को नीचे नहीं लाया जा सकता। इसके लिए तो फिर मतलब डायलिसिस करना या प्रोटीन डाइट थोड़ा सा कम कर देना, मसल मास कम कर देना, इस तरीके का मतलब उपाय देखा जाता है। मतलब ये एक समझने वाली बात है। बहरहाल किडनी ख़राब है या यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मतलब जो यूरिन का रास्ता उसमें ब्लॉकेज हो रहा है, तो ऊपर किडनी में बैक फ्लो हो रहा है, हाइपोथायरॉइडिज्म हो गया, कुछ किडनी ख़राब करने वाली दवाइयाँ हैं, शॉक में पेशेंट चला गया, हार्ट फेलियर है, या जब पानी लोग कम पीते हैं तो क्रिएटिन थोड़ा सा बढ़ा हो सकता है, या जो लोग ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे ज़्यादा क्रिएटिन बनेगा, इंटेंस एक्सरसाइज में ज़्यादा मसल्स पावर यूज करती है, क्रिएटिन का ज़्यादा यूज करेगी तो क्रिएटिन भी बढ़ जाएगा। रेड मीट में यही होगा, प्रोटीन रहता है उससे क्रिएटिन ज़्यादा बनेगा। क्रिएटिन सप्लीमेंट है, जैसा कि होता है एथलीटों वगैरह लेते हैं, जिम वगैरह में जो लोग जाते हैं। तो अगर आपके साथ ये कुछ कंडीशन है कि ज़्यादा प्रोटीन खाया, मसल एक्सरसाइज कर लिया, क्रिएटिन सप्लीमेंट लिया, डिहाइड्रेशन, तो ये तो मतलब अपने आप क्रिएटिन आपका नीचे आ जाएगा और हल्का सा बढ़ा रहेगा। लेकिन जिनकी उम्र ज़्यादा है, कोई क्रोनिक बीमारी है, बीपी शुगर इन सब में, और अगर क्रिएटिन बढ़ने लगा मतलब किडनी ख़राब होने लगा, ऐसा आप समझें। लो लेवल बहुत ही कम लोगों को होता है कि कम होने लगे बिल्कुल से लेवल, मतलब इसके नीचे चला जाए 0.5 0.6 के नीचे, ये 0.5 भी थोड़ा ज़्यादा ही मुझे लगता है, और भी नीचे इसका होता है। इसका मतलब है कि शरीर उनका कमज़ोर है, मसल मास उनके शरीर में नहीं है, इसलिए शरीर उनका क्रिएटिनिन बना ही नहीं रहा है। और क्रिएटिनिन टेस्टिंग कैसे करते हैं, किडनी फंक्शन को देखने के लिए करते हैं। किडनी का कोई डिसऑर्डर हो या ट्रीटमेंट चल रहा हो, किडनी का डायलिसिस चल रही है, कोई और ट्रीटमेंट चल रहा हो, इसके अलावा हेल्थ चेकअप होता है तब भी कराते हैं। और ऐसे लोग जिनको किडनी ख़राब होने का रिस्क फैक्टर है, जैसे कि डायबिटीज़ लंबे समय से है, बीपी लंबे समय से, हार्ट के पेशेंट हैं, फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिजीज की, या किडनी के अंदर स्टोन हो गया है, या कुछ HIV हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है, ऑटोइम्यून कुछ बीमारियाँ हैं, तो ऐसी कोई क्रोनिक बीमारी हो तो आपको ये कराते रहना चाहिए, क्रिएटिनिन और यूरिया का टेस्ट, और साथ में सोनोग्राफी वगैरह भी करा सकते हैं। क्योंकि क्रिएटिनिन वगैरह तब बढ़ता है जब किडनी में काफ़ी डैमेज हो जाता है, शरीर काफ़ी दिन तक टॉलरेट करता रहता है, फिल्टर करता रहता है ब्लड को, लेकिन एक लिमिट के बाद ही क्रिएटिनिन बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट क्रिएटिनिन बढ़ना चालू हुआ मतलब जस्ट किडनी भी डैमेज होना चालू हुई, मतलब ऐसा हुआ किसी का 1.5 क्रिएटिनिन है तो अभी किडनी जो होती है उनकी बस स्टार्ट हुई है डैमेज होना, ऐसा नहीं है। किडनी ऑलरेडी काफ़ी डैमेज हो जाती है तब ये क्रिएटिनिन बढ़ना चालू होता है। बहरहाल ये 3-4 रिपोर्टों के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश करी कि क्रिएटिनिन टेस्ट को क्या है, कैसे समझना है, कम हो जाए ज़्यादा हो जाए उसका क्या मतलब है। उम्मीद है आपको इससे कुछ हेल्प मिल जाएगी अपनी रिपोर्ट समझने में। थैंक यू सो मच।